सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानीय किसानों को दी जा रही है, तो फिर देर किस बात की। आप पधारें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स के सबसे बड़े शोरूम में और नए वर्ष में मिली सौगात का लाभ उठाएं। हमारा पता है नई गल्ला मंडी के आगे खुरई रोड सागर। निवेदक पूनम बीरेन पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, खुरई रोड सागर। पत्रकार चक्रेश जैन की हत्या के मामले में गैर इरादतन हत्या का आरोपी बनाया गया अमन चौधरी न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। वारदात के दिन से अब तक एडीओ अमन चौधरी को निलंबित नहीं किया गया, परंतु अब वह जेल पहुंच गया है। इसके बाद भी पंचायत विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा मामले में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। वजह क्या है यह जानने को सभी बेताब है, परंतु शायद ऐसा पहली बार होते देखा जा रहा है। कहीं इस मामले में राजनीतिक दबाव तो नहीं। खैर, इस हत्याकांड मामले में अमन चौधरी को पुलिस ने सागर श्री हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 19 जिसको थाना सारेगा में घटना हुई थी, और उसमें पत्रकार चक्रेश जैन की जलने की वजह से हत्या हुई थी। उस पर से अमन चौधरी के विरुद्ध धारा 304 मामला पंजीबद्ध किया गया था। उसके बाद चूँकि अमन चौधरी भी उसमें हताहत हुआ था, जला था, जो 4 के लिए सागर सिंह अस्पताल में भर्ती था। आज डिस्चार्ज होने के पश्चात उसको गिरफ्तार किया गया। पर कौन कौन सी धाराएं हैं और किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया? अब देखना होगा कि प्रशासन पत्रकार हत्याकांड मामले में चक्रेश जैन के परिवार को कहां तक न्याय दिलाती है। आप देख रहे हैं अथर्व न्यूज। खबरें देखकर कर दें सोचने पर मजबूर। सागर से ब्यूरो रिपोर्ट।